मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग नंबर 8 में। अभी एक्चुअली मेरे रूम में बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है और अभी उठा जैसे ही, आज तो छुट्टी है, आज ड्यूटी नहीं जाना और कल भी छुट्टी है, पर मेरे को फिर भी दो तीन काम है। एक प्रोजेक्ट आया है ऑफिस से ही, तो उसके डॉक्यूमेंट सबमिट कराने जाना है। तो पहले आपको रूम दिखाता हूँ, रूम में कितना गंद पड़ा है। सबसे पहले वही साफ होगा, फिर उसके बाद ही बाकी का। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखो गाइस कितना गंद पड़ा हुआ है, ये देखो पूरा रूम में गंदी गंद है। आज सबसे पहले यही काम है कि रूम साफ करना है। सिर्फ ये सोने वाली जगह साफ रखी हुई है मैंने, बाकी पूरा गंद है। और अगर आपको किचन दिखाऊं तो किचन में भी ये देखो, ये बर्तनों का ढेर है, पूरा गंद ही गंद है। यहाँ पे साफ करूंगा अभी, फिर उसके बाद आपके साथ बात करता हूँ। शुरू करते हैं रूम की सफाई। सब रूम की हालत देख सकते हो, रूम पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है। जब अकेला रहना होना तो ऐसा ही होता है भाई। किचन में बहुत गंद पड़ा है, किचन भी साफ करनी है अभी, देख सकते हो। बाहर तो स्नोफॉल भी होने लगी। कुछ खाने के लिए सामान ले आते हैं, रोटी रोटी बनाने के लिए, और बाहर स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है तो वो भी आपको दिखाता हूँ अब। तो पहले स्नोफॉल स्टार्ट हो गया, पर स्नोफॉल अभी छोटा छोटा है, ज़्यादा तेज नहीं है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा हो रहा है अभी। शायद आपको कैमरे में दिख भी नहीं आ रहा होगा, पर ठंड बहुत ज़्यादा होगी, -60 डिग्री टेम्परेचर हो गया ऐसा। आगे सामान लेके सब्जी, टमाटर, प्याज और दही दूध ले आया हूँ। अब सब्जी बनाएंगे, ब्रेकफास्ट अभी तक मैंने किया नहीं है, वो टाइम हो चुका है दोपहर का, 12 बज चुके हैं। खाना बनाना है, अभी बर्तन भी साफ़ करने हैं, किचन भी साफ़ करनी है। अभी करता हूँ, फिर आपसे मुलाकात करते हैं।
तो वैसे बर्तन भी साफ हो चुके हैं और अब लंच बना लेते हैं। सब्जी काट लेता हूँ, कढ़ी बनाते हैं आज, कढ़ी चावल। चलो, और प्याज काट के रख दिया है, तेल डाल दिया है, बस तेल का गर्म होने का इंतज़ार है। जैसे तेल गर्म होगा उसमें प्याज डाल देंगे, देखते जाओ। प्याज हो गया ब्राउन, इसमें डाल दो टमाटर। टमाटर को थोड़ा भूनने देते हैं, इसमें नमक और हल्दी डाल देते हैं। हल्दी, नमक डेढ़ चम्मच, थोड़ी सा लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा बाद में डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस डालो। तो उन्हें देंगे फ्राई। और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दिए चावल, चावल बनेंगे, दो सीटी में तैयार हो जाएंगे। मसाले को टमाटर इसको भूनने दें, जब तक टमाटर गल नहीं जाते तब तक कुछ निकालना इसमें। अब डाल दिया इसमें दही, अब इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे और उबाल आने तक हिलाते रहेंगे इसको अच्छे से। बस लंच हो गया है रेडी। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं आपको ब्लॉग कैसे लगते हैं, क्योंकि मुझे पता लगे कि मुझे क्या 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 बोलते हैं उसको, मुझे क्या क्या करना चाहिए और आगे क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या सुधार करने चाहिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और खाना हो गया मेरा रेडी, मैं खा लेता हूँ आलू की कड़ी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है नया दिन और कल का ब्लॉग एंड नहीं किया था, ब्लॉग करते हैं एंड, स्टार्ट करते हैं नए ब्लॉग को।